वोट बैंक से इसको बहुत कुछ, आप लोग इसको दूसरी तरफ नहीं ले जाइए। वोट बैंक तो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी ने भी कह दिया कि 1932 के खतियान का हम समर्थन लेते हैं, लेकिन उसको आप लोग नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। हम सरकार के साथ में हैं, हमारे मंत्री उस कैबिनेट में हैं। हम लोग ये राज्य जो है, देश जो है, एक डोमिसाइल है, सबको रहने का हक और अधिकार है। 1932 खतियान मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो अभी तो लागू हुआ नहीं है। लागू हो जाएगा तो राजद का राजनीति समाप्त हो जाएगा। झारखंड के रहने वाले राजद में नहीं है। अरे हम लोग बुनियादी, हम लोग तो 1908 के खतियान, आप 1932 की बात करते हैं। बात तो सही है, लेकिन प्रदेश के स्तर से सारे विचार बदल जाते हैं। आप ही के सहयोगी जेडीयू है बिहार में, वहाँ पर वहाँ के नेता यहाँ आए हैं, अशोक चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक स्तंभ 1932 का फैसला। तेजस्वी जी आते कहते हैं कि नहीं ये सही। तो मतलब तेजस्वी जी ने, माननीय नेता ने यही कहा है कि हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, वो साथ में है, निर्णय के साथ हैं, यही तो बोला उन्होंने। पार्टी से मंत्री अलग है क्या? मतलब पार्टी से मंत्री किसे अलग है? मंत्री पार्टी ने ही मंत्री बनाया है ना। आप सरकार के साथ हैं, 1932 में साथ हैं भाई। 1932 को आप लोग इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, हमको ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वजह है जेडीयू और आरजेडी अपने अस्तित्व को बचाने के। हम महागठबंधन के इस सरकार में हैं, सरकार का जो फैसला, अभी हम तत्काल सरकार के साथ हैं। अच्छा ठीक है, 1932 को हाईलाइट नहीं करें, लेकिन आरजेडी और जेडीयू का जो पकड़ कमजोर हुआ झारखंड में, क्या मानते हैं कि झारखंड की जो मूल विषय है उससे वो दूर किनारा इसी तरह से भागते हैं? नहीं, हम लोग भाग जा रहे हैं। हमारे मंत्री, हमारे एक मंत्री उसमें साथ में है तो हम भाग कर रहे हैं। नहीं देते थे। हमारे मंत्री साथ में है तो हम भाग कर रहे हैं। कैबिनेट में हमारे मंत्री है ना, हम भाग रहे हैं कहाँ? इसीलिए कह रहे हैं कि जरूरत है कि झारखंड के विषय को आरजेडी और जेडीयू को उठाने का, उसको और हाईलाइट करने का। कहीं ये वजह तो नहीं है कि आरजेडी कमजोर इसलिए हो रही है? नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि आरजेडी झारखंड मजबूत हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रहा है, आरजेडी और जेडीयू। अब कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, ये तो समय बताएगा। इसके लिए इसका प्रमाण पत्र आप थोड़े दे दीजिएगा कि हम कमजोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। यही तो प्रमाण है, यही प्रमाण है, और मीडिया के सवालों के जवाब में तो फिर ये बात को आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलन समारोह जो हुआ उसको कैसा? कार्यकर्ता मिलन समारोह में हमारे झारखंड के प्रत्येक विधानसभा से, प्रखंड प्रखंड से, प्रत्येक जिलों से हमारे कार्यकर्ता पूरा ऊर्जा और ताकत के साथ आए और पूरा ऊर्जा लेकर के अपने क्षेत्रों में लगे हैं। हमारे नेता भी इस कार्यक्रम में जो कम समय में हम लोगों को, हमारे नेता जो कम समय में हम लोगों को टास्क दिए थे, 8-9 दिन में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को प्रयास किया है सफल बनाने का। हम लोग भी जितना चाहते थे उतना भी सफल नहीं हो पाए हैं हम लोग अभी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।